बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। आज यहां सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्डा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। आज हर वर्ग को उनके अधिकार लौटाए जा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी J&K बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। कश्मीर के गरीब आदमी का पैसा था, मेहनत कश इंसान का पैसा था, आप मेरे भाई बहनों का पैसा था, वो डूबने जा रहा था। J&K बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए। बैंक को 1000 करोड़ रुपए की मदद देना भी तय किया। J&K बैंक में
जो गलत तरीके से भर्तियां हुई थी उनके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की। आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों भर्तियों की जांच कर रही है। बीते 5 साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ बैंक में नौकरी मिली है।